असलम जी जनाब कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो जनाब आज हम लोग आ गए हैं जी बड़ी नंद की तरफ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इधर छोटी नंद की तरफ ही रह रहे थे तो आज दो तीन दिन बाद तकरीबन हम लोग इधर आए हैं अब एक दिन हम इधर गुजारेंगे तो आज यहाँ का ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कुछ किया है और आते साथ ही हस्बैंड मेरे तेल लगवाने बैठ गए थे तो उन्होंने बड़ी मज़े की मालिश करवाई और जी अब्दुल भी यहाँ पे बच्चों

तक कुछ खाने को तो फिर मैंने भी साथ राइस खा लिया और हस्बैंड ने भी ऐसे दो चार बाइट्स ले ही ली थी और जी यहाँ पे बैठा हुआ ये बाजी का बेटा भी हमारे साथ बैठा हुआ खाना खा रहा है और जी, जी जनाब ये अब्दुल अपने बाबा के साथ खेल रहा है यहाँ पे आके अब्दुल को अपने बाबा से कुछ एक्स्ट्रा ही मोहब्बत हो गई है कि एक सेकंड के लिए भी अपने बाबा को नहीं हिलने देता है और उनके साथ चिपका रहता है बिल्कुल हर वक्त बस इसको अचानक से हो जाता है कि भाई मेरे बाबा मेरे बाबा और ना उनको कहीं जाने देता है और ना ही उठने देता है तो बस हर वक्त बाबा के साथ रहता है जहाँ बाबा होते हैं और वहाँ अब्दुल्हाद होता है तो जी यहाँ पे ये हस्बैंड मेरे ऐसे ग्लासेस लगा के तो देख रहे थे तो मैं उनकी वीडियो बना आने लग गई और जी यहाँ पे बाजी ने ये हल्दी फैलाई हुई है बाजी इस तरह से घर में हल्दी भी जो है ना वो इसी तरह से लेके और इसको करती हैं सारा जो भी प्रोसेस होता है मुझे तो पता नहीं है बस मैंने इसी तरह से देखी हुई है कि बाजी धूप में डाल देती हैं और उसके बाद जी इसको जो भी पाउडर वगैरह बनाना होता है वो बना लेती हैं तो जी यहाँ पर एक भांजी का एक ऑर्डर भी आया था रिसीव हुआ था जो उसने बहुत ही प्यारा सा एक विंटर का सूट मंगवाया था गुल अहमद का ये है तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ ये सूट और इसकी जो है सारी वो डिजाइन वगैरह भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्या है और आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं अगर आपको आपने मंगवाना हो तो आप भी मंगवा सकते हैं यहाँ से ये आप देख सकते हैं जिसका डिजाइन वगैरह और जो भी सब कुछ इस पे लिखा हुआ है इसके ऊपर सब कुछ तो ये जी थ्री पीस है इसके साथ दुपट्टा भी है और बैक साइड है शर्ट की और ये ब्लैक कलर ट्राउजर है और साथ में बाजू का कपड़ा भी अलग से उन्होंने दिया हुआ है तो खैर जी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जी टिक्कियाँ और दोपहर के लिए वैसे ही बाजी ने कहा कि चलें टिक्कियाँ बना लेते हैं थोड़ी सी और शाम में जो खाना वगैरह बनाना होगा तो वो बना लेंगे तो जो यहाँ पे हम लोगों ने टिक्कियाँ ये थोड़ी सी आलू बॉयल कर लिए थे और इसके अंदर जी बाजी प्याज भी डालती हैं आप लोगों ने मेरा देखा होगा कि मैं प्याज नहीं डालती हूँ कभी कभी धनिया डाल लेती हूँ होती लेकिन प्याज मैं नहीं डालती हूँ आलू वाली टिक्कियों में तो यहाँ पे वाली बेसन वाली टिक्कियाँ जो इस तरह से बेसन में कोट करके तो इसको डीप फ्राई किया जाता है जो हम अंडे में बनाते हैं तो हम तवे भी बना लेते हैं या हल्के से ऑयल में भी उसको फ्राई कर लेते हैं हल्का से उसको पकाना होता है तो ये डीप फ्राई करिए बेसन वाली टिकियां ये भी बहुत मजे की बनते हैं। तो अंदर भी बन रही थी और बाहर भी जो है ना बस नान टिक्की ले आए थे ऐसे ही बैठे बैठे इन्होंने कहा कि चले नान टिक्की खा लेते हैं तो ये टिक्कियों के ऊपर ना इस तरह का कलर इन्होंने चढ़ाया होता है वो अजीब सी लग रही होती है लेकिन ये टेस्ट में अच्छी होती है साथ और साथ ही पकड़े भी थे और जी जनाब ये नान टिक्की इन्जॉय करने के बाद जी हमने थोड़ा से खाए जी फ्रूटर और मौसमी वगैरह और मौसम देखते ही देखते बदल गया और देख लें बादल आ गए और शाम में फिर हम लोगों ने इंजॉय किए शाम भी जल्दी से ही हो जाती है तकरीबन चार पाँच बजे हम लोगों ने समोसे खाए एंड देन जी यहाँ पर बन रहा है रात का खाना तो रात का खाना हम क्या बना रहे हैं ये भी आप देख लें जी ये है जी चिकन बन रहा है लेकिन ये है जी देसी मुर्गी है इसलिए आपको बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर सी बोटियाँ नजर आ रही होंगी तो ये देसी जो चिकन होता है ना वो ऐसा ही होता है वो जो दूसरा हम खाते हैं वो तो ज़बरदस्ती बनाया होता है इतना हेल्दी तो ये देसी चिकन है जी इसकी कढ़ाई बन रही है तो इसको कुकर लगाना पड़ता है तो ये मुझे भी अब पता चला है कि अच्छा जी देसी चिकन को भी कुकर लगाना पड़ता है तकरीबन तो पौना घंटे इसको कुकर लगाया था एंड देन इसके बाद इसको बस भून लिया था और इसके अंदर सेम वैसे ही जैसे कढ़ाई बनाते हैं वैसे ही इसको बनाया है और साथ ही साथ जनाब यहाँ पर बन रहा है दाल का हलवा आपने थोड़े दिन पहले था जी कि गाजर का हलवा बन रहा था और अब बन रहा है जी दाल का हलवा और इसकी पूरी रेसिपी तो मुझे नहीं पता है बस मैं आपको दिखा रही हूं ये दाल का हलवा बन रहा है तो रेसिपी फिर कभी अगर बनेगा तो शायद अगर मैं यहाँ हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी वरना कोई बात नहीं फिर कभी दोबारा सही तो खैर जी ये बनाने में बहुत मेहनत होती है मैं देख रही थी कि बाजी मुसलसल लगी हुई थी इसको हिलाने के लिए कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं नीचे लग जाए तो खराब हो जाता है और ये जी इसको बनाने के बाद इसके अंदर शीरा डाला और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे करके तो खैर ये दोनों चीज़ें बन चुकी थी और यहाँ पे ये खीरे भी कट चुके थे और खाने के लिए सब बर्तन वगैरह लगा दिए थे और जी फातमा रानी बैठ भी चुकी हैं खाना खाने के लिए और मेरा बेटा भी बैठ चुका है जी बर्तनों के साथ खेलने के लिए और ये काम तो ज़रूरी होते हैं ना बच्चों के जब भी खाना लगता है तो बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं अपने बर्तन खड़काने के लिए तो खैर कढ़ाई बहुत मज़े की बनी हुई थी जी मेरी जिठानी ने बनाई थी फातिमा की जो मम्मा है उसने उन्होंने कढ़ाई बनाई थी तो वो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी कढ़ाई खाने के बाद चाय शाय पी और हलवा वगैरह खाया एंड देन जी रात को अचानक से ना तकरीबन कोई बारह एक बजे हम लोग का प्लान बना के हम कुछ खाते हैं तो ये भी हमें समझ लें एक ट्रीट मिली थी कहीं से किसी से मिली है ट्रीट जिसकी भी जिसने भी दी थी उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच हमें बहुत मज़ा आया सब चीज़ें बहुत मजे की थी तो ये जी दो पास्ताज थे इसमें और विंग्स थे और ये पिज़्ज़ा था जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ और पास्ता तकरीब जो है ना वो जी भांजियों का था और जो विंग्स थे वो मैंने अपने लिए मंगवाए थे अपने और अब्दुल्लाहद के लिए मैं विंग्स जरा शौकीन हूँ इन चीज़ों की मैं विंग्स बहुत शौक से खाती हूँ तो ये क्रंची वाले मुझे पसंद नहीं है ये इस टाइप के जो बेकड विंग्स होते हैं ना वो मैं पसंद करती हूँ तो मैंने अपने लिए मंगवा लिए थे और पास्ता वगैरह था एंड देन जी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ नाश्ते में जी आलू के पराठे सभी पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि चले आलू के पराठे बना लेते हैं टिकियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि रात में हमने कढ़ाई वगैरह खा ली थी तो ये हुई थी तो मैंने कहा कि फिर इनको यूटिलाइज करते हैं और हम इसके पराठे बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन चार पराठे बना लिए थे जी आलू के और मजेदार सा नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था तो जनाब जैसे कि ब्लॉग के, के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक दिन के लिए बस हम उधर जा रहे थे तो अब हम वापस आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग बस नाश्ता करते ही हम लोग वापस आ गए थे और जी यहाँ पे अब्दुल अहद अपने दादा बबू के पास बैठा हुआ है और दादा बू के बेटे भी उनके पास बैठे हुए हैं तो हम लोग अबू के पास ही बैठे हुए थे और जी आप यहाँ पर इंजॉय करें थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने ये बनवाई हैं बहुत ही प्यारी सी आप ये भी देखें कि आपको कैसी लगती है और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मुझे अपनी नाम में याद रखेगा इन दोबारा मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज